Welcome dear parents, I am Imtiaz and currently I am teaching science for class 2. I am teaching lesson 8, lesson name is housing and clothing. जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाउस दो तरह से बनाया जाता है, मटेरियल के अकॉर्डिंगली दो तरह का हाउस होता है, एक कच्चा हाउस होता है और एक पक्का हाउस होता है। पक्का कच्चा हाउस क्या होता है? ए हाउस मेड ऑफ मड स्ट्रॉ एंड बैम्बू इज कॉल्ड कच्चा हाउस। एक घर जो कि मड का बना हो, स्ट्रॉ का बना हो, मड मतलब मिट्टी का, पुआल का और बांस का, बैम्बू का बना हो, उसे हम कच्चा हाउस कहते हैं। पक्का हाउस क्या होता है? ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील इज कॉल्ड पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील इज कॉल्ड पक्का हाउस। एक घर जो कि ब्रिक्स का बना हो, ईंट का बना हो, सीमेंट का बना हो, स्टील का बना हो, ये क्या कहलाता है? पक्का हाउस कहलाता है। तो हाउस को हम मटेरियल के अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो तरह से, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। बोथ हाउस आर परमानेंट हाउस, दोनों घर जो है परमानेंट हाउस होते हैं। अब हम हाउस को क्लासिफाइड करते हैं टाइप्स ऑफ हाउस। अब हम टाइप्स ऑफ हाउस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ हाउस, घर कितने तरह के होते हैं? तो हम नाम लिख दें, इससे गिन लेंगे, गिन सकते हैं। देखिए, टेंट होता है, टेंट, ए हाउस मेड ऑफ टेंट, मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ, क्लॉथ इज कॉल्ड टेंट। एक घर जो कैनवस हाउस से बनाया जाता है वो टेंट कहलाता है। टेंट ये क्या है? दिस इज टेम्पोररी हाउस। ये क्या है? टेम्पोररी हाउस है। दिस इज टेम्पोररी हाउस। उसके बाद हम हाउस बोट लेते हैं। हाउस बोट, ए बोट ऑन ए, सॉरी, ए हाउस बोट ऑन ए बोट इज कॉल्ड हाउस बोट, इज कॉल्ड हाउस बोट। टेंट हुआ जो कैनवस क्लॉथ का बना होता है वह टेंट होता है, और हाउस बोट दो जो बोट पे बनाया जाता है घर वो हाउस बोट होता है, ये भी टेम्पोररी हाउस है। उसके बाद कारवैन होता है, कारवैन, ए हाउस ऑन व्हील इज कॉल्ड
कारावैन, एक ऐसा घर जो कि गाड़ी पर होता है, जिसमें पहिए लगे होते हैं, वो जो है कारवैन कहलाता है। ये भी जो है एक टेम्पोररी हाउस है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि हाउस कितने तरह के होते हैं, टेंट हुआ, हाउस बोट हुआ, कारवैन हुआ, उसके बाद और भी हाउस है। ये तीन हाउस हुए, चौथा हाउस देखिए। फोर्थ है हट, ये भी एक हाउस है। ये मिट्टी पुआल वगैरह से बना होता है, झोपड़ी। उसके बाद हुआ बंगलो, बंगलो। उसके बाद हुआ फ्लैट। उसके बाद हुआ अपार्टमेंट। उसके बाद हुआ स्काई स्क्रैपर। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि घर हाउस को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो इसमें आठ तरह के घर होते हैं, जिसमें टेंट हुआ। टेंट एक टेम्पोररी हाउस है जो कैनवस क्लॉथ का बना होता है। कारवैन, कारवैन जो के व्हील्स पे होता है, जिसमें पहिए लगे होते हैं, गाड़ी पे होता है। हाउस बोट जो कि बोट पे होता है। उसके अलावा ये सारे तीन नाम जो मैंने लिया, टेंट, कारवैन, हाउस बोट, ये क्या है, ये टेम्पोररी हाउस है। ये चलता फिरता घर है, कभी जरूरत हुई तो वहां पे बना दिया और फिर वहां से उसे खत्म कर दिया। लेकिन ये हट है, बंगलो है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, स्काई स्क्रैपर है, स्काई स्क्रैपर है, ये सब जो है परमानेंट हाउस होता है। ये कहीं पे एक बार बन जाता है तो वो वहीं पे होता है। हट होता है जो कच्चा मकान होता है, हट होता है। बंगलो जो कि ये एक बड़ा सा घर होता है, पक्का घर होता है, वो बंगलो होता है। फ्लैट होता है, ये मल्टी स्टोरीज होता है, इसमें कई जो है कई मंजिला होता है, उसमें अलग अलग फ्लैट बने होते हैं। अपार्टमेंट ये भी फ्लैट टाइप से ही होता है। और स्काई स्क्रैपर ये बहुत ही कई मंजिला मकान होता है, इसको स्काई स्क्रैपर कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना आज के लेसन में हाउस के टाइप्स हमने जाना कि आठ टाइप्स होते हैं, कौन कौन, टेंट, कारवैन, हाउस बोट, हट, बंगलो, फ्लैट, अपार्टमेंट, स्काई स्क्रैपर। तो हम ये सबको आप लोग याद कर लें। हमें उम्मीद है कि ये आपको हाउस कितने तरह के होते हैं, हाउस के टाइप्स को समझने में आपको मदद मिलेगी इससे। और अगर ये आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको मदद कर रहा है अपने सब्जेक्ट को समझने में, तो आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे और शेयर करेंगे और हो सका तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।